हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 26 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया को लेके। तो कंटेक्स्ट क्या है वो भी हम देखते हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट देखो, अभी रिसेंटली है कि इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट है वो यानी ICAI और इसी के साथ अफगानिस्तान का जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं उनके बीच में एक MOU है वो साइन हुआ है। देखो, हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान है वो अपना दबदबा लगातार बढ़ाने की कोशिश है वो कर रहा है, और इसीलिए इंडिया है वो नहीं चाहता बिल्कुल कि भाई वहाँ पे जो तालिबान है उसकी सरकार है अफगानिस्तान में। इसलिए इंडिया ने वहाँ की पार्लियामेंट के लिए भी काफ़ी सारा फंड है वो लोकेट किया था, और वहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट है इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। मतलब इंडिया नहीं चाहता कि तालिबान वहाँ पे, क्यों? क्योंकि इंडिया के तालिबान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तालिबान एक आतंकी ग्रुप है, इसलिए इंडिया नहीं चाहता कि वहाँ पे तालिबान है उसका दबदबा रहे। और इंडिया अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ पे चाह रहा है कि भाई चाहे जो भी हो तालिबान एटलीस्ट वहाँ पे नहीं आना चाहिए। इसके लिए इंडिया वहाँ पे काफ़ी तरह के स्कीम वगैरह, इसी के साथ इंडिया ने वहाँ पे तरह तरह के पोर्ट्स वगैरह हैं उनके लिए, मतलब एक तरीके से जैसे कि अभी आपको पता है कुछ टाइम पहले ग्वादर पोर्ट है, चाबार पोर्ट है, इस तरीके का आप नाम तो सुना होगा। तो उसी तरह से बेसिकली इंडिया कई तरह के काम वो चाहता है। तो इंडिया ने वहाँ के पार्लियामेंट के लिए फंड भी अलोकेट है वो किया था। तो अभी रिसेंटली इंडिया ये चाहता है कि भाई जो अफगानिस्तान की जो अकाउंटेंसी बोर्ड है यानी कि अफगानिस्तान अकाउंटेंसी बोर्ड उसको बिल्डअप किया जाए, इसके साथ ही अफगानिस्तान की जो IT कैपेसिटी है उसको बिल्डअप किया जाए, और जो वहाँ की क्वालिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उसको भी इन्हेंस या इम्प्रूव है वो किया जा सके। इसके साथ ही इंडिया अपना नॉलेज है वो ट्रांसफर करेगा अफगानिस्तान में, और तरह तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो अफगानिस्तान के शेयर किया जा सके। इससे इंडिया को भी एक्सपीरियंस मिलेगा और अफगानिस्तान को भी फायदा है वो होने वाला है। अब हम बात करते हैं ICAI की यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया है क्या। देखो यह बेसिकली एक स्टेचुरी बॉडी है, इसे बेसिकली पार्लियामेंट के एक्ट 1949 के तहत इसको बनाया गया था। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि स्टेचुरी बॉडी है वो हो जाती है। इसका काम क्या है, इंडिया में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो काम होता है, जो प्रोफेशंस होते हैं, इनको बेसिकली रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइन वगैरह हैं, वो तय की जाती हैं। और अब हम बात करें इसके दो तीन फैक्ट्स और की, तो वो कुछ इस प्रकार है कि वर्ल्ड की सेकेंड जो लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल बॉडी है वो बेसिकली इंडिया की ICAI है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। इसके साथ ही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का जो फाउंडर है वो भी इंडिया मेंबर रहा है। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है कि भाई जो इंडिया का ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का फाउंडर मेंबर है। तो ये दो चार फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हो जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है कि रिसेंटली MOU किसके साथ साइन किया गया, क्या इसमें फैक्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे देखे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मैं नहीं हम पोर्टल को लेके। देखो, अभी माई गवर्नमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था और उसके द्वारा ही बेसिकली मैं नहीं हम पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली है जो इंडिया के IT प्रोफेशनल्स हैं इनके लिए लॉन्च है वो किया गया है। इसकी थीम है वो है सेल्फ फॉर सोसाइटी, मतलब जो IT प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इस बार सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करें। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड के साथ देखते हैं। देखो, आपको पता है कि इंडिया है वो ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो, और इसीलिए देखो अब इंडिया ने स्टार्टअप तो स्टार्ट कर दिया इकोनॉमी के लिए। तो अब बात आती है यहाँ पे कि भाई सोसाइटी के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, और इसीलिए इंडिया को जरूरत है कि सोशल स्टार्टअप्स हैं उनको भी बढ़ाया जाए इसके लिए। और इसीलिए गवर्नमेंट ने मैं नहीं हम पोर्टल है वो IT प्रोफेशनल्स के लिए लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, इसमें बेसिकली देखो इसका मेन मोटिव ये रखा गया है कि जो लोग बेसिकली सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे कि सामाजिक सरोकारों के प्रति IT जो पैसे हो रही है, IT जो आप बोलते हो कि प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रयासों को सक्षम बनाएगा। मतलब वो सोसाइटी के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है तो वहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दे सकता है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, लोग सोसाइटी के लिए करना तो चाहते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि हमें कैसे क्या करना है, उनको मतलब कुछ ना कुछ एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो उस लिए मैं नहीं हम पोर्टल है वो काम करेगा। इसके साथ ही जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके लिए जो वॉलेंटियर्स की जरूरत होती है या फिर जो स्वयं सेवक हैं उनका भी यहाँ पे कोऑपरेशन है वो रहेगा। जैसे कोई भी आदमी सोसाइटी के लिए कोई वॉलेंटरी काम करना चाहता है तो होता क्या है, उसको पता नहीं होता है कि भाई मैं कहाँ जाके काम वगैरह करूँ, तो वहाँ पे उसको गाइडेंस वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई यहाँ पे आप इस तरीके के काम कर सकते हो, ये काम बेसिकली आपके द्वारा किए जा सकते हैं। फायदा क्या होगा इससे, देखो हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है जो कि काफ़ी पीछे रह गया है बात के डेवलपमेंट एरिया में, उसको काफ़ी फायदा होगा। और IT सेक्टर के जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनसे मिलेंगे तो उनसे काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन चीज़ें होंगी, और जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है इनडायरेक्टली बहुत से फायदे उनको मिलेंगे। तो ये बेसिकली पोर्टल को हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है चाबहार पोर्ट को लेके।
कंटेक्स्ट देखो कुछ इतना खास नहीं है, बट जैसा हम जानते हैं कि चाबहार पोर्ट है वो बेसिकली इंडिया ने ईरान के साथ एक एमओयू के तहत वो बनाया था। इंडिया बेसिकली इसको मतलब पूरा डेवलपमेंट वगैरह इंडिया के द्वारा किया गया है। और इसका मोटो क्या था, इसका बेसिकली मोटो ये था कि ईरान के थ्रू इंडिया की तो कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होगी, इसके साथ ही इंडिया वो सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक देखा जाए तो एक बार थोड़ा मैप में हम देख सकते हैं कि इंडिया की कनेक्टिविटी वैसे सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान के थ्रू तो है, बट यहाँ पे आपको पता है कि ये पीओके वाला एरिया आता है जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड किया हुआ है, इसलिए इंडिया डायरेक्टली इस वाले एरिया से कनेक्ट नहीं है। तो अभी इंडिया ने फिर ये प्लान किया कि क्यों ना भाई हम ईरान के साथ रिलेशन इंप्रूव करते हुए और यहाँ से ऐसे से रास्ता अफगानिस्तान के थ्रू और फिर सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशन है या फिर हमारे जो और भी तरह के आप बोलते कोऑपरेशन है इनको बढ़ाया जा सके। लिए इसके लिए इंडिया ने यहाँ ईरान के अंदर इस वाले एरिया में आप देख रहे हो ना यहाँ पे बेसिकली चाबहार पोर्ट को बनाया, और इसी तर्ज पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे ग्वादर पोर्ट बनाया गया जो कि बेसिकली चाइना द्वारा फंडेड था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चाबहार पोर्ट है वो कहाँ पे है, और बात करें जो ग्वादर पोर्ट है जो कि बेसिकली पाकिस्तान में यहाँ पे है ये कहाँ पे किसके द्वारा डेवलप है वो किया गया है। तो ये दो चार फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कन्फ्यूजन भरे। देखो दोनों ही है वो अरेबियन सेम है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। और ये रास्ता आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इंडिया जो मैक्सिमम ऑयल बात करें इंपोर्ट की वो ईरान से इंपोर्ट करता है, सऊदी अरब से इंपोर्ट करता है, ओमान हुआ, इराक हुआ, इनसे बेसिकली इंपोर्ट है वो किया जाता है, क्योंकि ये खाड़ी कंट्रीज गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पे ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए इंडिया इस वाले एरिया से ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। और आपको पता है कि हर कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आज के टाइम पे ऑयल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, तो इसलिए इंडिया के लिए ये रास्ता काफी अहम है। और यहाँ पे जो सोमालिया है पायरेट्स के रबीन नीचे वाले एरिया में यहाँ पे इनका भी खतरा रहता है, इसलिए इस वाले एरिया में इंडिया अपनी सिक्योरिटी भी इंप्रूव करके रखता है और यहाँ पे अपना दबदबा भी रखना चाहता है ताकि भाई इंडिया को कोई भी यहाँ पे फ्यूचर में दिक्कत है वो नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे ये बताइए कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा सॉरी यहाँ पे मैपिंग तो आपको दिख गया होगा, बेसिकली यहाँ पे अरल सी है जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो ये लोकेशन थोड़ी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है, क्योंकि अरल सी है वो मैपिंग में हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। और एक तो यहाँ पे फिर जो कैपिटल है जैसे कि कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल एशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस बहुत पुराने टाइम से हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने रिलेशन आज से इंप्रूव कर रहा है, बहुत पहले से इंडिया के रिलेशंस रहे हैं, तो इंडिया आगे भी इन रिलेशंस को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है बेसिकली ब्रिक्स के बारे में। तो देखो ब्रिक्स है वो बेसिकली एक वर्ल्ड की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनका ग्रुप है। बी का मतलब यहाँ पे ब्राजील है, आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है और एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली पांच कंट्रीज का मिलकर ग्रुप है जो है ब्रिक्स। आप ये बताइए कि ब्रिक्स का एक बैंक भी है, इन्होंने एक अपना बैंक बनाया था खुद, उसका नाम क्या है, उस बैंक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब डेवलप कंट्री नहीं है, एक तरीके से इमर्ज हो रही है, काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे हम कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया वर्ल्ड की, उसी तरीके से इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखो रिसेंटली इसके समिट की बात हो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि 20 मिनिस्टर्स की मीटिंग वगैरह आयोजित है वो की गई थी। तो देखो इसका जो समिट है वो पॉलिटिकल तरीके से भी काम है वो करता है, इसके साथ सोशल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए बेसिकली फोकस है वो करता है। अब देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन हो उसके बारे में दो तीन समिट के बारे में हमें पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहला सबमिट कब हुआ था और एक रिसेंटली कब होने वाला है या कब हुआ है। सबसे पहला सबमिट है ब्रिक्स का वो बेसिकली 2009 में रशिया में हुआ था, मतलब अभी रिसेंटली नया कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना है, इसके पहले 2009 में इसको बनाया गया था। और 9th एडिशन है वो जियामिन जो कि चाइना के अंदर है वहां पे बेसिकली हुआ था, और इसी के दौरान 9th सबमिट है वो लास्ट ईयर हुआ था, और उसमें जियामिन डिक्लेरेशन है उसको एक तरीके से एडोप्ट है वो किया गया था। और अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जियामिन डिक्लेरेशन वो किससे रिलेटेड है, एक तो यूपीएससी ऐसे ही पूछ ले डायरेक्टली कि जियामिन डिक्लेरेशन कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, ब्रिक्स से दे देगी या फिर आसियान से दे दे, तो वहां पता होना चाहिए कि जियामिन डिक्लेरेशन है वो ब्रिक्स से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो इसकी मीटिंग हुई थी उसमें डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट की बात की गई, इसके साथ पीपल टू पीपल इंगेजमेंट की बात की गई और गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन इंगेजमेंट की बात की गई, मतलब आपस में कंट्रीज है उनको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं डिप्लोमेटिक तरीके से, पीपल टू पीपल यानी टूरिज्म के थ्रू और जो गवर्नमेंट और जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनकी हेल्प से, ताकि सभी कंट्रीज को आपस में फायदा, उसके एक दूसरे के लिए द्वार ओपन रहेंगे तो इनके इकोनॉमिक रिलेशन भी हैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होंगे। अब यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है उसके चेयरमैन है वो कौन होते हैं, ये आपको बताना है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के चेयरमैन कौन होते हैं।
तो अभी देखो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उनमें मीटिंग हुई थी और उसके दौरान बेसिकली FIDF यानी कि फिशर्स एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है वो बनाया गया था। इस फंड में बेसिकली 7522 करोड़ का फंड है ये बनाया गया है। है क्या इस फंड में वो भी हम देख लेते हैं, कौन इस फंड को रेगुलेट करेगा और इसका काम क्या है। देखो ब्लू रिवोल्यूशन यानी आपको बताया कि नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है यानी मरीन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसी के तर्ज पे या उसी को और ज्यादा गति देने के लिए ये ग्रुप या ये फंड है वो बनाया गया है। इसे बेसिकली नाबार्ड और जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन है यानी NCDC और इसी के साथ जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो बेसिकली इसको एक तरीके से नोडल लोनिंग एंटिटी के तौर पे काम में वो करेंगे, मतलब ये एक तरीके से लीड रोल है यहाँ पे निभाने वाले हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। काम क्या होगा इस फंड का, इस फंड का काम यही है कि इंडिया के अंदर जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं इनको इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके, लिए उन पर रिसर्च की जा सके ताकि आगे जो भी मछुआरे वगैरह हैं उनकी कहीं ना कहीं लाइवहुड है वो खतरे में ना आ सके। तो उसके लिए बेसिकली एक फंड है वो काम करेगा, जैसे कि पोन्ड वगैरह का डेवलपमेंट करना, नई टेक्नोलॉजी की वजह से फिशिंग है उसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करना, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना ताकि ऐसा नहीं हो कि ट्रोलर की हेल्प से जो मछली वगैरह है उनको नुकसान हो जाए, जो दुर्लभ स्पीसीज है उनको लॉस वगैरह हो, इसके लिए बेसिकली फंड है वो काम करेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है भारत स्टेज के बारे में। देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत स्टेज जो 4 है उसको भी डायरेक्टली 2020 के अंदर भारत स्टेज 6 में कन्वर्ट है वो किया जाएगा। तो क्या था थोड़ा सीन वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखो आपको पता है कि पोल्यूशन लगातार फैल रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की जिनका मेन मोटो ये था कि भाई पोल्यूशन को हमें कम करना है। तो भारत स्टेज बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसी तरह से स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जिनका मेन मोटो यह है कि भाई पोल्यूशन को कम किया जा सके। अब देखो जब भी जो डीजल इंजनों से पेट्रोल इंजनों जब वो चलते हैं तो उनमें बेसिकली 3 तरह की गैसें एमिट होती हैं, एक तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक होती है हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम मैटर। ये बेसिकली 3 आप बोल सकते हो कि चीज़ें इनकी उत्सर्जित हैं वो की जाती हैं। तो जो भारत स्टेज 6 होगा उसमें क्या होगा कि सल्फर की मात्रा बहुत कम होगी। अभी रिसेंटली जो भारत स्टेज 4 के व्हीकल चल रहे हैं उनमें सल्फर ज़्यादा होता है और भारत स्टेज 6 होंगे उनमें सल्फर की मात्रा 80% कम हो जाएगी। कहाँ से? भारत स्टेज 4 से। देखो इंडिया है वो BS5 को नहीं अपना रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। UPSC पूछ सकती है कि 2020 में इंडिया BS5 को अडॉप्ट करने वाला है या 2019 वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने BS4 के बाद में डायरेक्टली 6 की बात की है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा ही सीरियस होते हुए इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि भाई BS4 के बाद में डायरेक्टली BS6 के ऊपर हम मूव है वो करने वाले हैं। इसी के साथ ही जो BS6 का ईंधन है वो इंडिया के दिल्ली NCR के एरिया में तो इस अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो गया है। अब देखो जो नए BS6 के इंजन होंगे उनमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो यह है कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यानी जिसे DPF जानते हैं, ये क्या करेगा, ये डीजल पार्टिकुलेट जो फिल्टर है ये बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इसका एमिशन कम करेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत है, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और इसीलिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनको थोड़ी रियासत दे, थोड़ी मतलब छूट वगैरह दें, क्योंकि जब उनको रियायत मिलेगी तो वो ढंग से डेवलप कर पाएंगे और भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं। इसके साथ ही जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसको अगर कम करना है, इसके एमिशन को कम करना है तो उसके लिए सिलेक्टिव कैटालिक रिडक्शन मॉडल है उसको अपनाना होगा, जो भी एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इन दो चीज़ों पे गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रिसर्च हो चुके। तो बेसिकली अभी कुछ इश्यूज चल रहे थे कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कह रहा है गवर्नमेंट को कि भाई आप थोड़ा हमें टाइम दीजिए, 2020 की बजाय आप 2021-22 में कर लीजिए ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से डेवलप है वो कर सकें। बट इन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि नहीं भाई एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप तो उठाने होंगे और 2020 की डेडलाइन है वो फाइनल यहाँ पे की गई है। तो जो BS6 के अंदर जो सल्फर की मात्रा होगी, जो चीज़ें एमिट होंगी इसमें 80% तक कम हो जाएंगी। तो ये 2-4 फैक्ट्स आपको ध्यान रखना कि BS स्टैंडर्ड वगैरह क्या है, इंडिया BS5 को अडॉप्ट है वो नहीं कर रहा है, डायरेक्टली BS6 पे मूव कर रहा है। ये थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। अब आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूँ, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला आप ये बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक नॉट प्रॉफिट फाउंडेशन है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बेसिकली ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स है वो जारी करता है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आपको बताना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है या तो, या फिर UNDP, या फिर तीसरा ऑप्शन है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और चौथा ऑप्शन है WTO। तो आपको बताना है कि
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? चार ऑप्शन है इसमें से। पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है यूएनडीपी, तीसरा है डब्ल्यूईएफ, चौथा है डब्ल्यूटीओ। अब थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हुआ है सीएसआईआर से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट ये है कि सीएसआईआर के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सीएसआईआर को आजादी से पहले बनाया गया था। ये दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।